हम अभी शहर हैदराबाद के डबाही इलाके में मुजाफा के इलाके जलपली एरिया में मौजूद है। आइए हम देखते हैं अभी यहाँ के हालात जो आप देख रहे हैं। अभी हम आवाम से पूछेंगे कि ये कब से आया है, क्या है आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। ये पानी कब से आ रहा है भाई? ये दो तालाब का पानी है, एक ये तालाब का है, एक ये तालाब का है। इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है। कब से आ रहा है पानी? तीन दिन से आ रहा है। बारिश जैसा स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई। इधर का तालाब से भर के पानी बाहर निकल रहा, उधर का तालाब से पानी आ रहा है। बारिश है। ये तालाब कौन सा है? ये अपना जलपली तालाब। और उधर का? उधर का श्रीरामपाली, श्रीराम नगर का तालाब है। श्रीरामपाली, श्रीरामपाली, श्रीराम नगर का है। बल्ले की तरफ से कोई मतलब बचाने के लिए वो ऐसा हमारा पत्ता डेंजर कुछ नहीं है। बारिश जो हो रही ना, ये जैसे रास्ता साफ कर दिया, वो रास्ता खुला है जाने के लिए, वो मुश्किल हो रही है। अगर ये पब्लिक का प्लेस रनिंग नहीं रहता है, ये इंडस्ट्री फॉर्म होगा, ये रहता है तो एयरपोर्ट हो जा रही है। पर एयरपोर्ट आने वाला भी ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर रोड पर रहते हैं तो माँ के दिला बस्ते में पानी डालना होता है। पानी नहीं कर रहा है नाले में, पर पानी नाले में पड़े आपने सुना कि यहाँ पर जो पानी बह रहा है जलपली तालाब से होता हुआ, ये यहाँ पर सिर्फ सड़क से गुजर रहा है, यहाँ पे बस्तियों में तो पानी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन हालात से नहीं होने के नतीजे हो सकते हैं ये पानी जमा होते होते कोई दूसरे बस्तियों में दाखिल हो सकता है। और इस पानी की वजह से बहुत सारे अमराज और बीमारियाँ भी पैदा हो सकती है, जैसा कि शहर हैदराबाद में कई अर्से से मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड केसेस चल रहे हैं। तो पानी जमा होने की वजह से जलपली जाने वाली जो सड़क है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं।